जो औरत अपने घर में अपने शौहर के लिए बन सबर कर नहीं रहती है। दोस्तों आपने ज्यादातर देखा होगा मुस्लिम मौलवी या धर्मगुरुओं द्वारा हमेशा औरतों के खिलाफ फतवे जारी किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस मौलवी को आप देख लीजिए और कहोगे काश सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं में इस मौलवी जैसी बुद्धि अकल होनी चाहिए। इस मौलवी में क्या खासियत है? ये मौलवी यानी धर्मगुरु औरतों की तारीफ कर रहा है। जी हाँ, औरतों की तारीफ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्लीज हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। जो औरत अपने घर में अपने शौहर के लिए बन सबर कर नहीं रहती है, मगरिब की अजान के बाद अच्छा कपड़ा नहीं पहनती है, जेबो जीनत अख्तियार नहीं करती है, मेकअप अच्छा नहीं करती है, अपने जिस्म पर खुशबू नहीं लगाती है, अच्छे कपड़े नहीं पहनती है, अपने शौहर के लिए बन सबर कर तैयार नहीं होती है, अगर ऐसा नहीं करती है तो उस औरत को यह कहने का और इस शिकायत का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है कि वो 12 बजे आता और 1 बजे आता है। क्या करेगा कि तुम्हारे पसीने की बदबू सूंघेगा? क्या करेगा आके वो तुम्हारे लिए? मगरिब के बाद तुम्हारे घर में बैठ के क्या करेगा? तुम्हारी लंतरानी सुनेगा वो? हां, तुम्हें शिकायत का पूरा हक है। जब मगरिब के बाद मुंह हाथ धुलकर मेकअप करके लिपस्टिक लगा के क्रीम पाउडर लगा के नहीं चुपड़ के, क्या बात कह रहा है, अच्छे कपड़े पहनकर तुम रेडी रहो। देखिए औरतें भी काफी, और अपने शौहर को 10 बार फोन करो, कहां हो, जल्दी आओ ना, मैं सो जाऊंगी, फिर आओगे? 10 बार फोन करो, बुलाओ, फिर तुम्हें शिकायत का हक है कि मेरा शौहर मेरे पास नहीं आता है। रहोगी घर में भंगन बनकर, फिर वो आएगा रात के, क्या कह रहा है, फिर तो वो उसी ऑफिस वाली के पास बैठेगा जिस ऑफिस में उसके साथ काम करता है, क्योंकि वो उसके लिए बन ठन कर बैठी